हम तो एक बात जानते, पंडित साहब ने एक बात बहुत सुंदर सुंदर कही वैसे साहित्य में, कि हमेशा आत्मसंतोष के लिए जियो, दूसरों को खुश करने के लिए मत जियो। समझ गए नहीं समझ गए? हमेशा आत्मसंतोष के लिए जियो। क्या मतलब? ध्यान रखना, आत्मसंतोष माने शरीर नहीं, आत्मा। यही तुम्हें लगता है हम आत्मा में तृप्त हैं, तो समस्त व्यवहार यही है। अब किसी को खुश करने नहीं जाना। क्या कह रहे? किसी को खुश करने नहीं जाना। ये तुमने शास्त्र नहीं पढ़ो? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। कहा क्यों? आज हम आत्मा में संतुष्ट थे। क्यों आपने भोजन नहीं किया आज? कोई बात नहीं, आज आत्मा में संतुष्ट थे। महाराज क्या करती है? अब बहुत बड़ा शब्द हो गया जी, आत्मसंतोष। आत्मसंतोष के लिए पढ़ो, आत्मसंतोष हो तो मत पढ़ो। क्या कह रहे? एक वो तेल निकालने की विधि सुनी हमने, बादाम का तेल निकालते हैं, बादाम का तेल, तो बादाम का तेल निकालने में ऐसा ही रुकना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है, भगवान जाने कितना क्या है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। घोटते जा, घोटते जा, घोटते जा, घोटते जा, और जब उसमें तेल दिखने शुरू हो जाए, तेल निकल जाए तो दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाए तो घोटते मत रहना, अब खत्म हो जाएगा। हाँ, और सारी पिट्टी सूख लेगी, अब फिर वो खत्म हो जाएगी। मैंने उसकी विधि यह है कि कंटिन्यू घोटो, और निकल आए तो अब मत घोटो, नहीं घोटे जाओ, घोटे जाओ, अब घोटे मत जाओ, अब आज छान लो। बादाम का तेल निकालने की विधि अब छान लो। ऐसे जब तक आत्मा का निर्णय नहीं हो जाए, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और जैसे आत्मा का निर्णय जाए तो अपनी बुंदेलखंड की भाषा में छिमा जाओ। बैठ जाओ अंदर, बस खत्म। आई बात समझ में आई? बैठने का मार्ग है, समेट सिमटने का मार्ग है। निर्णय किया और आत्मा के आनंद में डूब गए। अब फिर और पढ़ो तो फिर वो आत्मा के आनंद की हत्या है। अब पढ़ने के लिए पढ़ना आनंद की हत्या है, निर्णय के लिए पढ़ो, और निर्णय होने के बाद आनंद हो तो पढ़ना बंद कर दो।